नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसलेनियस टॉपिक्स पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अगर आप किसी ने एक साइट अभी अभी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ईओबॉट वर्जन 2.cc के नाम से एक ही साइट है। और ये जो लोग हैं ये अपने तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ईओबॉट का ये सेकेंड वर्ज़न हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ईओबॉट.com जो है कुछ भी माइनिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ईओबॉट के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, देखिए वो जो भी उनके इश्यूज हैं हमें नहीं मालूम उस चीज़ के बारे में। तो देखिए वो तो नॉर्मल वैसे हमें मालूम ही है, मार्केट काफ़ी डाउन है पिछले कुछ काफ़ी टाइम से। तो ईओबॉट का जो माइनिंग का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसकी रनिंग कॉस्ट है, तो इसीलिए उन्होंने शायद माइनिंग बंद करी हुई है। तो इस सब के दरमियान देखिए यहाँ पर एक साइट आती है जो कहते हैं कि हम लोग ईओबॉट का सेकंड वर्जन लेके आए हैं, ईओबॉट ने ही मतलब इसको लॉन्च किया है एंड ऑल सच थिंग्स। और ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वी आर प्राउड प्राउड टू अनाउंस न्यू ईओबॉट वर्जन 2.0, ओल्ड ट्रस्टेड नेम विद न्यू इक्विपमेंट एंड सेम टीम। एंड देखिए इस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग वही टीम है एंड ऑल सच थिंग्स, कि हम लोग ईओबॉट को ही नए नेम से लेके आ रहे हैं वर्जन 2 के नाम से। तो देखिए यहाँ पे ईओबॉट का उसके बाद एक ट्वीट आया है, ये देखिए आप ईओबॉट का ऑफिशियल ट्विटर पेज है ये, आप ईओबॉट का ट्विटर पेज देख लीजिए, यहाँ पे आपने पहले भी ध्यान दिया हो। ये देखिए उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे GHS 4.0 हैज़ बिन स्टॉप, ये 8 सेप्टेम्बर को हम लोगों ने ये मैसेज वगैरह भी मैंने आपको पहले दिखाया था। अब ये 26 सेप्टेम्बर को इनका एक मैसेज आया था कि इन्होंने ग्रिड कॉइन को रिमूव करना है और आप अपना जो भी विड्रॉल्स वगैरह हैं निकाल लीजिए यहाँ से, अपने जो भी आपके ग्रिड कॉइन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेलर कॉइन को इन्होंने ऐड किया था। और अब देखिए यहाँ पे 24 नवंबर को इनका एक ट्वीट आया है कि eobot.com इज़ ओनली ऑफिशियल URL एंड ऑलवेज विल बी, और यही रहने वाला है और यही है फिलहाल के लिए। एनीथिंग नेम्ड eobot2 और eobot version 2 इज़ ए फिशिंग साइट। यहाँ पे देखिए लोग साफ साफ बता रहे हैं कि ईओबॉट 2 या फिर ईओबॉट वर्जन 2 जो भी हैं, ये दोनों की दोनों साइट्स जो हैं बिल्कुल प्योरली ईओबॉट से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ईओबॉट का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है वो इसको बिल्कुल सिरे से नकार रहा है। बाकी देखिए जैसा भी है एक बार हम लोग चल के देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कैसे है। लॉगिन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, अगर ये पुराने वाले अकाउंट से लॉगिन होगा या नहीं होगा, देखिए मैं ट्राई करके देख लेता हूँ एक बार, आपसे मिलता हूँ फिर उसके बाद लॉगिन करने के बाद, अगर हो जाता है लॉगिन तो। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं ना मैंने अभी अभी जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड eobot.com का था, मैंने उससे ट्राई किया है इसको लॉगिन करने का, तो हम लोग उससे तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस है कि मुझे साइन अप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए आप ये सब अब कर लीजिएगा, मैं आपको एक और मतलब कि यहाँ पे आज ईओबॉट के नाम से एक और साइट ये जो लॉन्च हुई है, जैसा भी है जो भी है मुझे खास आइडिया है नहीं, आप लोगों के साथ मैंने जो भी शेयर कर दिया है जो मुझे मालूम था, अब देखिए इसको परखिए, और कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, और ईओबॉट ने इसको बिल्कुल साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं इस पर अकाउंट वगैरह बना के देखता हूँ, अगर उसके बाद कुछ अगर हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और ध्यान रखिएगा अपना, किसी भी तरह के फ्रॉड से अपने आप को बचा के रखिए, किसी भी तरह के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिसलेनियस टॉपिक्स। थैंक यू।